हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू कैरियर पॉइंट। आज मैं आपके सामने कुछ मल्टीप्लिकेशन के ऐसे मैजिक ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होगा मल्टीप्लिकेशन के दौरान और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी ये लगेगी। तो शुरू करते हैं एक से। जैसे आपने वन को मल्टीप्लाई करना है वन के डिजिट्स के साथ ही, जैसे 1111 को 1111 से मल्टीप्लाई करना है। ये भी चार वन है, ये भी चार वन है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उतने आपकी सीधी काउंटिंग, उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग 3, 2, 1। ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। तो है ना बड़ा इजी सा ट्रिक। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल लेते हैं, 1, 1, 1, 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 1, 1, 1। तो 5 1 यहाँ पे हैं, 5 1 यहाँ पे हैं, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। तो है ना इजी मेथड। इस तरीके से आप किसी भी डिजिट को जो कि वन की क्वांटिटी में हो, वन वन के, चाहे वो चार वन को चार वन से मल्टीप्लाई करना हो, पांच डिजिट हो पांच से मल्टीप्लाई करना हो, तो आंसर बिल्कुल ऐसे आएगा। सीधी काउंटिंग जितने नंबर ऑफ वन डिजिट हुए, उसके बाद उल्टी काउंटिंग। तो चलिए दोस्तों, एक आपको छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। 1, 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 1। बिल्कुल इसी ट्रिक से आप इसे सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपका नंबर ऑफ वन अलग अलग हुए, जैसे 111 को मल्टीप्लाई करना है 1, 1, 1, 1 से, तो इधर 3 हैं इधर 4 हैं, तो टोटल 7 हुए, उससे एक कम कर देना, यानी 6 डिजिट का आपका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो कम नंबर ऑफ वन होंगे, जैसे ये 3 है तो एक उससे कम, यानी 2 तक सीधी काउंटिंग, फिर उल्टी काउंटिंग 2, 1, इन बिटवीन जितने ये डिजिट हैं, कितने हैं 3, 2, 3, 3, ये इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 4 1 है आपके पास, उसको आपने 1, 1, 1, 1, 1, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इधर कितना है आपके पास 6, 6, 4, 10, 10 से एक कम 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका आंसर 9 डिजिट का होगा। तो कम नंबर कितने हैं 4, 4 से एक कम कर दो 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, तो इन बिटवीन क्या आएगा आपका 4, तो ये इसका आंसर है। ये थी हमारी एक की कहानी। अब देखते हैं अगर इसके इन बिटवीन 0 आ जाए, 1, 0, 1, 0, 1 को अगर मल्टीप्लाई करना है 1, 0, 1, 0, 1 से, तो बिल्कुल वैसे ही है, बस साथ में एक एक जीरो ऐड कर देना, तो 3 1 है, इधर भी 3 1 है, तो 1, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 1। काउंटिंग वैसे ही, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, बट इन बिटवीन एक एक जीरो आ जाएगी। तो है ना बड़ा इजी सा ट्रिक। इससे आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। अगर ऐसे ही आप और ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका पॉजिटिव रिस्पांस ही हमें इनिशिएट करेगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके। आगे चलते हैं हम कुछ ऐसे नंबरों के साथ जिनका फर्स्ट डिजिट सेम हो, जैसे कि 2, 2 है दोनों तरफ,
और पीछे हमेशा 5 डलता हो। तो इसका आंसर पीछे से लिखना शुरू करते हैं, पीछे हमेशा 25 आएगा और आगे क्या आएगा, जो भी डिजिट है आगे का उसमें आप 1 प्लस कर देना तो कितना बना 3। तो उसको दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हुआ 6। तो 625 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही मान लो आपने 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो पीछे 25 आगे 4 में 1 जोड़ दो तो 5 हुआ, 5 को 4 से गुना कर दो तो 20 आया, तो 20-25 इसका आंसर आ गया। अब आपके लिए है ये एक क्वेश्चन, 35 मल्टीप्लाई 35, इसी ट्रिक के साथ करके देखना, झट से आपका आंसर आपके पास होगा। लीजिए दोस्तों अब एक और करते हैं, अगर 25 को 35 से गुना करना है, अब पीछे तो 5 ही रहेगा, आगे का डिजिट आपका चेंज हो गया, तो इस केस में पीछे आंसर में हमेशा 75 आएगा, आगे बड़े नंबर का स्क्वायर यानी 3 × 3 9, उसमें से एक माइनस तो 8, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही मान लीजिए आपने 35 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो पीछे 75 आगे 4 का स्क्वायर 16, उसमें से एक माइनस 15, तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ एक खास बात ये बताने वाली थी, जो हमने क्वेश्चन किए हैं जैसे कि 35 को 45 से मल्टीप्लाई किया या 25 को 35 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हमेशा पीछे 5 का डिजिट होना चाहिए और आगे वाला डिजिट लेस देन 5 होना चाहिए। तो अब मल्टीप्लिकेशन बड़ी सिंपल लगने लगी दोस्तों। ऐसे ही एक जाते जाते इस वीडियो के एंड में मैं आपको लॉजिक बता के जा रही हूँ छोटा सा मैथ का। मान लो आपने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। तो बैकवर्ड काउंटिंग डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, तो राउंड अबाउट फिगर आपके पास 8 आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।